तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एरे फॉर्मूला। जी हाँ, यूनिक डायनेमिक एरे फंक्शंस, जिसमें हम बात करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में जो कि एरे को समझने में काफी मदद करेगी। ये एरे की हमारी तीसरी क्लासेज हैं और एरे में हम बात करेंगे किस तरह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एरे को यूज किया जा सकता है। चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं थोड़ा बेसिक से, फिर हम धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, मुझे इन नंबर्स को आपस में सम करना है। जैसे मैंने मान लीजिए 154 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 + 5 + 4 सम हो जाए और टोटल यहाँ पे दिख जाए। ये एक्सेल की स्क्रीन नहीं आ रही है। ओके, अब दिख गई सर। जी तो एरे की कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला में हम बात करना चाहते हैं कि नंबर्स को आपस में जोड़ना। जैसे यहाँ तो 154 दिया हुआ है, तो ये 1 + 5 + 4 हो जाए और इसका टोटल यहाँ पे 100 हो, तो कैसे होगा? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सम देंगे, सम फॉर्मूला, क्योंकि तो हमने बताया था आपको कि एरे का जब भी यूज होता है तो नंबरिंग पे ही यूज होता है। तो यहाँ पे हमने सम दिया, उसके बाद मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है एक एक नंबर में, और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको मैंने एग्जांपल दिया था मिड का, याद है सर? जी, इसको सेलेक्ट किया कॉमा। अब मैं एक बार मिड समझा देता हूँ आपको, ठीक है? मुझे लग रहा है भूल गए होंगे आप। जैसे मेरे पास कुछ नंबर है, नाम ही ले लीजिए, मुझे इसको अलग अलग सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर मैनुअल करने जाए तो मिड का इस्तेमाल करेंगे। मिड, इसको सेलेक्ट कर लिया हमने कॉमा, हमने दिया 1, 1, यहाँ पे एस अलग हो गया। मोहन जी, आ रही आवाज मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। आपको मैसेज तो रिलेवल हुआ। और यहाँ पे वापस एक बार और मिड लगाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसमें हो जाएगा हमारा दूसरे नंबर से एक कैरेक्टर को अलग करेगा। अगेन मिड का फॉर्मूला हम लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हो जाएगा तीसरे नंबर से एक लेटर को अलग करेगा। और यहाँ पे अगेन मिड, इसको सेलेक्ट किया और हमने बोला कि चौथे नंबर से एक को अलग करेगा। किसी तरह से कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो एक एक सेल में इतना फॉर्मूला सबसे क्रिटिकल है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे मिड और इसको सिलेक्ट किया और कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्लोज किया और यहाँ पे 1 कर दिया। एंटर, कंट्रोल से एंटर मारते हैं, आप देखिए सुजीत अलग अलग सेल में चला गया। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई कि ये तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिख रहा है आपको, तो अगर मान लीजिए नंबर मेरा आगे 12, 15, 20 करेक्ट रहेगा तो मुझे 20 लिखने पड़ेंगे। तो उससे बचने के लिए हमने आपको क्या बताया था, मिड में रो फॉर्मूले ऐड करना। तो यहाँ पे हमने मिड लगाया और इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे रो का फॉर्मूला, यहाँ पर रो नहीं कॉलम होगा, क्योंकि रो जो होता है वो रो वाइज के लिए होता है, लेकिन हमें कॉलम वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ हम कॉलम का इस्तेमाल करते हैं, कॉलम और कॉमा 1, इसको सेलेक्ट कीजिए एक एरिया में और इसको स्प्लिट कर दीजिए, स्प्लिट हो गया। अब इससे क्या होगा कि सुजीत हो, सुजीत कुमार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहां भी सेम चीज करेंगे, हम देंगे सम का फॉर्मूला, सम के अंदर में हम मिड का फॉर्मूला देंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पे हम कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3 लिख दें और फिर यहां पे 1 करें, रिजल्ट 0 आएगा। 0 आने के पीछे रीजन क्या है? अब 0 आने के पीछे रीजन क्या है हम आपको अभी बता रहे हैं, उसके लिए मुझे मैग्नीफायर चाहिए होगा।
लिखा है कोई हरकत नहीं, इसको देखना पड़ेगा एबुलेट करके फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मेनू बार में एबुलेट फॉर्मूला पे जाइए। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप खुद दिखे काफी हो क्या रहा है। तो यहाँ पे एबुलेट हुआ, एबुलेट में यहाँ पे नंबर दिख गया 1, 2, 3 ने क्या किया, तीनों नंबर को आगे अलग किया। बट इस नंबर को इसने अलग किया इन्वर्टेड कॉमा में। इन्वर्टेड कॉमा में अलग करने से प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि इस टेक्स्ट हमने इसको टेक्स्ट समझ लिया, और जाहिर सी बात है टेक्स्ट के ऊपर किसी तरह की कैलकुलेशन नहीं होती है, तो यहाँ कैलकुलेशन नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय वन कर दिया। जी हाँ, मल्टीप्लाई बाय वन कर दिया, अब रिजल्ट आ गया। तो मल्टीप्लाई बाय वन करने से क्या हुआ, अगेन एवरेज फॉर्मूला में देखते हैं। अब देखिए वन में वन से मल्टीप्लाई हुआ तो वन रिजल्ट आया, फाइव में वन से फाइव, फोर में फोर से फोर आया, लेकिन नंबर फॉर्मेट में। ये कैसे हुआ, मतलब कि ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ कि अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा मैंने वन यहां लिख दिया, अगर मैंने इसको सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई बाई वन किया तो ए वन आएगा लेकिन इन द नंबर फॉर्मेट। जी हाँ, टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसमें वैल्यू का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, वैल्यू का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। बट प्रॉब्लम हुआ कि वो तीन डिजिट था, अगर मैं इसको चार डिजिट कर दूं तो अब यहां पे 3, 4 मैनुअल करना पड़ जाएगा। कुछ ऐसा होना चाहिए जो ऑटोमेट हो। तो कॉलन फॉर्मूला याद है ना? यस सर। तो यहां पे कॉलन यूज नहीं होगा, कॉलन होगा डिस्ट्रीब्यूट जब करते हैं कहां पे इस पे यूज होता है, बट यहां पे हम फॉर्मूला रो का यूज करेंगे कि रो 1, 2 चले 4। अब देखिए यहां एवरेज फॉर्मूला पे चलते हैं। यहां पे देखिए रो ने 1 से 4 तक टूट गया, फिर नंबर मल्टीप्लाई हुआ और आपस में सम हुआ। अब यहां पे एक एग्जांपल मैं इसलिए बता दूं कि आपको ऑफिस में ऐसा प्लस करने का थोड़ी आएगा काम, लेकिन इसमें हम ऑटोमेशन की हम बात कर रहे हैं। तो रो फॉर्मूले में हम इसको ऑटोमेट करने के लिए इसको क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा से रख के कॉनकटानेट करेंगे और 4 की जगह पे देंगे हम फॉर्मूला लेन का। ठीक है, लेन फॉर्मूला, और लेन फॉर्मूला में इसको सिलेक्ट करेंगे जो कि लेंथ होगा। अब एंटर मारने पे एरर आएगा क्योंकि रो फॉर्मूले में हमने कॉनकटानेट लगा दिया, मतलब कि हमने टेक्स्ट कर दिया। कोई कॉनकटानेट हमेशा रिटर्न करता है टेक्स्ट, इसको रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, इनडायरेक्ट फॉर्मूला। और मैंने लगाया और एंटर प्रेस किया, रिटर्न आपके सामने। अब मैं कितना भी डिजिट डालू हमारा नंबर आपस में सम हो जाएगा। तो रो फॉर्मूला और इनडायरेक्ट फॉर्मूला का समझ में आया मैडम? यस सर। डाउट तो नहीं है? नहीं, अगर तो इनडायरेक्ट नहीं लगा तो भी आंसर तो यहाँ पे आ रहा है, चाहे जितने भी डिजिट डालेंगे अपन। नहीं नहीं, इनडायरेक्ट लगाना पड़ेगा। अच्छा, इनडायरेक्ट लगाना पड़ेगा। देखिए समझिए क्या है, इनडायरेक्ट ने क्या किया समझिए चीज को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। ये फॉर्मूला आपका है, सबसे पहले इसने नंबर दिया, फिर लेन गया, लेन ने क्या किया 2 दिया। अब 1 और 2 कंबाइन होकर एक एड्रेस बन गया, किसमें, टेक्स्ट में। अभी तक जो है अगर इनडायरेक्ट फॉर्मूला आप ना लगाएंगे तो रो इस 1 और 2 को कंसीडर ही नहीं करेगा, क्योंकि रो कहता है कि मुझे चाहिए रेफरेंस A1, B1, C1 चाहिए, या रो नंबर 1 से 2, मतलब कि रो नंबर हमारा हुआ 1 से लेकर 2 रो, रेफरेंस फॉर्मेट। बट ये इन्वर्टेड कॉमा में लगा हुआ है ना सर, इसे क्या हुआ, टेक्स्ट फॉर्मूला हुआ।
इनडायरेक्ट क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, रो में। देखिए कन्वर्ट कर दिया, दोनों साइन लग गए ना सर, इन्वर्टर को मार दिया, समझ में कन्वर्ट हो गया, देन रिजल्ट आपके सामने है। ओके जी, क्लियर है। तो हम ऑटोमेशन करने के लिए इनडायरेक्ट एंड रो का इस्तेमाल करते हैं एक्सेल। अब चलिए कुछ और एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे नेम है और यहाँ पे मान लीजिए कि सेल्स है, आपके पास एक्सेल कौन सा है? 13 है अभी तो सर। तो हमारे पास एक ये आ गया रिकॉर्ड, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लीजिए मैं पूजा का वी लुकअप लगाना है, लगाना है ना सर, तो वी लुकअप में क्या होगा कि ये बताएगा सबसे पहला, ये बताता है ना सर, जी मुझे सबसे लास्ट वाला चाहिए, वी लुकअप जो है मुझे लास्ट वी लुकअप चाहिए, यहाँ का लास्ट चाहिए जो एरा पूजा 77 चाहिए, कैसे होगा? तो इसके लिए हम मैं फॉर्मा लगाऊंगा मैक्स का, मैक्स मैक्स में मैंने दिया यहाँ पे इफ का फॉर्मूला, इसमें हमने बोला कि ये जो नेम है नेम अगर इक्वल टू क्या होना चाहिए, पूजा या जो भी है सेलेक्ट कर लेता हूं, ऐसा है तो इसका रो क्या चाहिए, रो सही। अब एंटर मारते हैं, यहां पे 38 आ गया। अब 38 क्या आया, इसने 38 इसका रो नंबर दे दिया कि आपका 38 नंबर रो पे। तो इसको कैसे करें हम, तो फॉर्मूला एवलेट में जाकर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये क्या हुआ। देखिए सबसे पहले इसने सबको मैच किया, इसने ट्रू 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 ट्रू, जहां जहां ट्रू है वहां वहां इसने क्या किया, उसका नंबर डाल दिया, क्या रो नंबर। तो रो नंबर ने क्या किया, 2 से लेकर 39 तक का रो नंबर आ गया, लेकिन ये रो नंबर पूरा उठ के आएगा जहां जहां मैक्स जो है फॉल्स को सपोर्ट नहीं करता है, इसका मैक्सिमम नंबर सबसे ज्यादा 38 था, इसने 38 शो कर दिया। अब मुझे 38 नंबर रो मिल गया तो क्या करूंगा, मैं ऑफसेट से इंडेक्स से वैल्यू ले सकता हूं जी, ऑफसेट लगा देता हूं, ऑफसेट हमने इसको सिलेक्ट किया कॉमा 38 नंबर रो एंड 1 नंबर कॉलम, 37 होगा ना, -1 होगा, हाँ बस कर दिए माइनस, ठीक है जी। तो इस पे प्रैक्टिस कीजिए, अगली क्लास में हम इससे आगे बताएंगे। एक और आपका एरे का क्लास रह गया है, उसके बाद हम टेस्ट लेंगे। ओके जी सर, मिलते हैं कल। ओके बाय बाय सर।